हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, इतना दिन से वीडियो हमारा नहीं आ पा रहा था और रीजन भी आप सबको पता भी था, और एक महीना बहुत ही ज्यादा बिजी लाइफ था। तो काफी देर के बाद आज फिलहाल हम अपने फैजाबाद वाले घर पर आ गए हैं, और क्योंकि घर पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी तो कोई भी वीडियो अपलोड होने में 2-3 दिन लग जाते थे। तो फाइनली मैं आ गई हूँ वापस घर, और अब कोशिश करूंगी वीडियो अपलोड करने की। वीडियो मैंने बनाया हुआ था लेकिन एडिट नहीं कर पाए, और एडिट करने के बाद भी अपलोड नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और अब कोशिश करूंगी कि वीडियो आगे से आप लोगों को कहती हूँ, कर नहीं पाती हूँ, फिलहाल कोशिश करूंगी। और आप सबको बता दूँ कि पता भी है आप सभी को कि हम गाँव में क्यों थे। श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम था और थोड़ा बहुत ट्रेलर आप सबको दिखा भी दिया था। और आपको बता दूं कि जो कथा, मतलब कथा भगवत होता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है सुनने में, और घर में बहुत सारे काम भी होते थे तो इसलिए पूरा वीडियो में आप लोगों को ब्लॉग नहीं बनाकर दिखा पाई। बहुत ज्यादा काम होता था और जिम्मेदारियां भी हम सबके ऊपर बहुत ज्यादा थी। तो जो भी कथा हुई, तो जो कथी का बढ़िया बढ़िया प्रसंग थे वही हमने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि 4-5 घंटे डेली कथा होती थी। तो जो महत्वपूर्ण प्रसंग है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी, आप सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे भरोसा है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा ब्लॉग आपको दिखाते हैं कि घर वापस आने के बाद हमने क्या क्या किया हुआ है। घर से आने के बाद सबसे पहले हमारा ध्यान गया पौधों पर, कि टेस्ट लगा था कि कहीं सूख ना गए हों, लेकिन सूखे नहीं थे क्योंकि गर्मी भी कम हो रही थी, ठंडी का महीना था। तो फिलहाल बीच बीच में भाई लोग पानी देते थे तो इसलिए हमारे पौधे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और ठीक ठाक कंडीशन में है। तो सबसे पहले आकर हमने पौधों को पानी दिया, और शाम को ही पौधों को पानी देते हैं, सुबह नहीं देते हैं, जिससे कि रात भर तरावट रहे और दिन भर भी काम चलता रहे। सुबह देने से जल्दी सूख जाते हैं, मैंने सर सोना हुआ है। और उसके बाद आप सबको बता दूँ कि हमने बनाया फरा, और आपको बता दूं कि महज इत्तेफाक है, जब जिस दिन हम घर गए थे तो उस दिन भैया दूज था 26 अक्टूबर को, तो वहाँ भी जाते ही तो मुझे फरा बनाना पड़ा था क्योंकि उस दिन भैया दूज था। और इत्तेफाक से जब वापस आए तो भी उसके अगले दिन मुझे फरा बनाना पड़ा क्योंकि सबका खाने का बहुत मन हो रहा था। तो इसीलिए दाल, मतलब भिगो कर सबसे पहले फरा बनाया। और हमको लगता है जब नई जगह जाते हैं तो ठंडी या गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है, तो घर पे ठंडी तो हो ही रहा था गांव में, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा था जिस दिन हम आए, इसलिए स्वेटर भी पहनना पड़ा। तो उसके बाद ठंडी फिलहाल कम हो गई, लेकिन जिस दिन हम आए थे उस 2-3 दिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। अब ठंडी थी या मुझे लग रही थी मुझे नहीं पता। तो उसके बाद फिर हमने बनाया फरा, और आपको बता दूँ, आप लोग हंसेंगे कि थोड़ा सा DIY करके हमने बनाया हुआ, क्योंकि जो थाली होती है ये थोड़ा सा बड़ी थी तो इसीलिए हमने थोड़ा जुगाड़ करके फरा बनाया हुआ है। आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे, आपको बहुत हंसी भी आएगा। और रेसिपी हमने बजरा नहीं शेयर किया क्योंकि ऑलरेडी हमने इसकी रेसिपी शेयर किया हुआ है। और फरा हमारे यहाँ खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सबको पसंद आता है। अगर डेली आप लोग फरा बनाओ तो किसी का पेट नहीं भरने वाला है। Thank you.
आज की वीडियो। और दादा घर से आने के बाद बहुत सारे काम यहाँ पर हो गए थे, बहुत ज्यादा काम था, पूरा घर अस्त व्यस्त था और उसको मतलब सेट करने में मुझे करीब एक हफ्ते लग गए। तब जाके पूरा घर नेट क्लीन हुआ है और कपड़े वगैरह भी उलन निकालने थे क्योंकि ठंडियां भी शुरू हो गई हैं। रख के गए थे फिर भी वापस से देख रहा था कि कहीं चूहे ने काट दिए हो। तो फिलहाल सारे काम निपटा के हम सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग और वीडियो आप सबके साथ शेयर कर दूँ, थोड़ा सा अपडेट भी दे दूँ कि वीडियो क्यों नहीं बन पा रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे। तो फिलहाल ये थी आज की वीडियो, आज सबको कैसी लगी कमेंट करते रहिएगा। और बहुत दिनों से हम आप सबके चैनल पर नहीं आ पाए हैं तो अब आने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक है। और जो भी पुराने हमारे मतलब जिनकी वीडियो पर हम नहीं गए हैं लेकिन आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोशिश करूंगी आप सबके चैनल पर आने की और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाए अगर नए हैं तो। और जो हमारे फ्रेंड हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया हमारा। तो चलिए वीडियो को विराम देते हैं और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।